बतासा कहाँ गया? बतासा, बतासा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। बहुत सुंदर लगत नहीं रुआ। जो फना हो जाऊं तेरी चाहत में, जो फना हो जाऊं तेरी चाहत में, है, 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 है। जो फना हो जाऊं तेरी चाहत में तो गुरूर मत करना।, करना ये असर नहीं तेरे इश्क का, मेरी दीवानगी का हुनर है। दो ही गवाह हैं मेरी मोहब्बत के, दो ही गवाह हैं मेरी मोहब्बत के, वक्त और सनम, एक गुजर गया एक मुकर गया। क्या बात है, क्या बात है। ऐ मेरी शायरी के शेर, मेरी मोहब्बत में ना पढ़। अच्छा। वरना हो जाएगा तू ढेर। शो शुरू करते हैं क्योंकि हो रही है देर। हाँ, देर। यह करे आ रही काम, दुल्हा ढेरा आ रही है। पिला वजह मजदूरी करा हुआ था, हे बोला हाउ बोला, हरी बोला वहरी बोला, धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने लगनी हो। बतासा भैया। हाँ। तू तो गांव से आके बम्बई में शहरीबाज भी जाना था हो गई ला। अरे का बताए भैया, बस यह लड़की खातिर दुल्हन खातिर करे पड़ था। देखा सर भावना जी, 25 साल का हो गई नहीं, मतलब 26वां में पहुंचे थे। हाँ, खाइल पियल शरीर हो, हम उम्र ज्यादा। अरे 25 साल की उम्र में खा पी के ऐसा हो जाता गेंडा। एक्सरसाइज कर अब ना, कसरत कर, वो कसरत रहनी है ना, पेट वेट कम कर ले, उम्र ज्यादा ना। जैसे जरा करके बताए, जरा कसरत करके बता। चल दोबारा। अरे मोरी माई, अरे मोरी माई। दूना हम रोज कसरत करे खातिर तैयार हैं, बस खाली करावे खातिर तू आ जावल कर। समझाने तरीके में गुस्सा होता और हम गुस्सा ना आवे दे, काहे से कि ऐसे धीरे 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 पटावत 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 मामला दुल्हन तक पहुँचे जाए। तो मैडम रउआ आदेश, हमारा सर आंख पे प्रोग्राम शुरू कर देते नहीं। तभी गंगा के दर्शक लोग के बतासा चाचा और संभावना सेठ का राम राम। तो स्वागत बार हुआ सबके भजपुरिया खाटी गीत संगीत के सबसे बड़का दंगल जी का नाम है बिरहा मुकाबला। बिरहा के दंगल में आज फिर गूंजेगी महारथियों की ललकार, लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बिरहा के उन दो सुपरस्टार्स का। आज हिंदुस्तान के देवाल बड़न बिरहा के सरताज, बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव जी और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी के लिए जोरदार ताली। और भैया साथ ही जोरदार तालियां प्रतीक्षा गृह में बैठल बिरहा के चार वीरांगना और वीर की भी। प्रतीक्षा गृह में आज ज्ञानी यादव, बुल्लू बस्ताना और उजाला यादव वाणी। साथ ही बैठी है बिरहा मुकाबले की पहली सेमीफाइनलिस्ट रजनी गंधा। बिरहा मुकाबला के दंगल में आज से शुरू होगी चौथा दौर के दूसरा मुकाबला। चुनौती के मैदान में अब हर हफ्ते ताबड़तोड़ धाकड़ मुकाबला देखने को मिलेगा। बिरहा के अखाड़े में अब वही पहलवान रुकेगा जो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देगा। बिल्कुल। ज्ञानी यादव, बुल्लू मस्ताना और उजाला यादव के बीच शनिवार और रविवार के मुकाबला होगी। शनिवार के दो महारथी एक दूसरा की चुनौती दिहान, इन दोनों में जो विजेता बनी रविवार के अगला महारथी के साथ टकराई हैं। हाँ, और रविवार को जो भी विजेता बनेगा वो सीधा सेमीफाइनल्स में चला जाएगा। सेमीफाइनल का मुकाबला सिर्फ दो लोग ना, चार लोग के बीच होगी। पिछला दौर के मुकाबला में मामूली अंतर से बाहर हो गई चार महारथी के हमनी के सुल्तान और बादशाह की तरफ से मिली संजीवनी बूटी, और जिनका बीच से हमनी के मिली है अगला टू फाइनलिस्ट। आज किसके बिरहा का झंडा लहराएगा, कौन जीतेगा और कौन बाहर हो जाएगा, ये देखने से पहले आइए जानते हैं अपने बिरहा सुल्तान और बिरहा के बादशाह का विचार। सबसे पहले विजयलाल जी। चुनौती तो तगड़ा बटले बा, दर्शक लोग भी आंख बिछा के बैठल बा कि अब देखा का होला। जौन होई तो सत्य होई, असत्य तो यहाँ सवाल ही नहीं के। हमार शुभकामना सबके साथ। ओम प्रकाश जी। चारों कलाकार अपना अपनी के बन, चारों जाना में अब के टीका तटे
अब तो ये लोग चारों जाना अपन अपन प्रस्तुति दी लोग तबे पता चल सकता आ तब हमनी के बतावल दी। तभी रहा क्या खाना सच के तैयार बा, लेकिन आज के करो की जय जयकार ई देखल जाई एगो छोटे से ब्रेक के बा। तो देखते रहिए खाटी भोजपुरी गीत संगीत का सबसे बड़ा महासंग्राम बिरहो मुकाबला। जेकर आवाज और अंदाज होई खाटी क्या बात है अभिराम ओकरे भैया बाजी लाडी। और रउआ लोग देख रहल बानी खाटी भोजपुरी गीत संगीत का सबसे बड़का दंगल जेकर नाम है बिरहो मुकाबला। भैया बिरहा मुकाबला के जे भी विजेता बनी उनका बिरहा सरताज की खिताब और पगड़ी के साथ ही बिग गंगा की तरफ से मिली पूरा 1,00,000 रुपया के इनाम। हमारे दर्शक लोग जो घर में बैठ के देख रहा टीवी तू लोगन कमा सकेला बाबू कमाई खाली नहीं लोग ना पाई है तू लोग चाह तो घर में बैठ के कमा सकेला खाली छोटा सा काम करे के बा। एपिसोड के अंत में हर हफ्ता खाली ई अनुमान लगावे के बा कि भैया अगली बार के जीती अगर तोहार फैसला जोन तू अनुमान लगौले बड़ो हमारा जज लोगन से मैच कर गईल तो बस उपहार पे उपहार धक्का धक तो हम लोगन के घरे जात रही भी गंगा की तरफ से दे ताली। प्रतीक्षा गृह में मौजूद ज्ञानी यादव बुल्लू मस्ताना और उजाला यादव से मैं जानना चाहती हूँ कि आज उनके बीच में कौन वो माइका लाल होगा जो दंगल में सबसे पहले ठोकेगा ताल। हम होई वाह हम बाहरे उजाला तो जोरदार ताली से स्वागत करी आजमगढ़ के उजाला यादव के। उजाला ने ताल दी है तो देखते हैं किस में है दम जो उजाला की ललकार को स्वीकार करेगा। हम हैं बुल्लू मस्ताना क्या जो उजाला है? की चुनौती का स्वीकार करते हैं। वाह वाह क्या बात है बुल्लू मस्ताना जी जिया राजा जिया मैंने देखौला पावर अपन तू तो हाँ तो बिहार का नहीं अरे जिया हाँ बिहार का राजा तो भैया कैमूर बिहार के बुल्लू मस्ताना खाते ने जोरदार ताली मार दो लोगन। मुकाबला अब इतना टफ है कि आप में से कोई एक ही सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना सकता है क्या लगता है। कोशिश पूरी है कि इनसे बढ़िया जंग हो। बुल्लू भैया चावल जला हाथ मिलावे इला तो सोच के सोच ले ले ऐसे हम बताई ला ए बिरहा का मंच है ए बिरहा का मंच है कोई अखाड़ा नहीं किसी का कोई कुछ बिगाड़ा नहीं तो हाथ मिले या तो सोच के जियो। हम ही बुल्लू मस्ताना जी जाने ला सारा जमाना ए भैया लोगन के आशीर्वाद से हमरे बिरहा के पूरा यूपी बिहार बा दीवाना जियो। संभल के रहिया जानलो ई बिरहा मुकाबला का वो मंच हो जहाँ ये योद्धा दूसरा योद्धा के ललकारेला तैयार बनी हम तो देखेला कि आज कैसन होला टक्कर ओकरे बैठा जाके अपना कुर्सी पे। अब थोड़ी देर में तो हम लोगों का पता चल जाए कि करे में कितना दम बा। जोरदार ताली। तो उजाला अब देखा गायकी से करा उजाला तब तक हमने देखे था नहीं तो हर कमाल आइए संभावना जी आइए थोड़ा हाथ पकड़ के जरा प्यार से ले जाइए। सर जमी के लिए
हम बदला लेकर शहीदों के बलिदान का, लाश कुत्तों की देवरी खिलाएंगे हम। हमरे हिंदुस्तान का भाई बेटा बड़ा परिश्रम में करेलन तो फौज में भर्ती होलन, आज भर्ती हो जालन तो भैया हो बड़ा कष्ट होला। कष्ट का होला कि जब उस सीमा पे जालन ना बढ़िया से खाना मिली ना बढ़िया से पानी मिली तो बड़ा कष्ट होला। एक फौजी जवान का दस्तान सुनावे चलत बनी जौन आप लोग घटना के जानत हुआ। शहर कर्नाटक के रहे वाला हनुमान थप्पा जी फौज में भर्ती हो गईलन बाबू। ड्यूटी कहाँ लगल बा? जा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा, जौन कटीला तार से बॉर्डर घेरल बा, पुंछ घाटी में जवान का ड्यूटी लगल बाबू। जवान ड्यूटी पर तैनात, अचानक कोनो घटना भइल बा, हाथ में उठा लिया हथियार और हनुमान कदम आगे बढ़ौलन। हनुमान का कदम रुक गई, आज हनुमान का कदम रुक गई, मेजर साहब गुस्सा में लाल, अरे हनुमान क्या बना रखा है चेहरा का, मेरी बात को तू सुन ले। बतावत हुआ का मास्टर? बमो छमुंडा हाई काल का लवंडा बनल बमो छमुंडा, हाई काल का लवंडा बनल बमो छमुंडा। मेजर साहब गुस्सा में लाल आवाज दलन, आवाज क्या दलन मास्टर? नौकरिया अपन छोड़ी दा जाके करा खेती बरिया। कल्याणमन मेरी बात को तू कान खोल के सुन ले, मैं क्या कह रहा हूं। का करा मास्टर अंतरा कलम से हवा के जटायु लड़ने रावण से निशंका, आई हवा का भालू बंदर फूंक दिया। मेजर साहब कहा कि हनुमान क्या यहाँ भात खाने के लिए बैठे हो? क्या चारपाई लगाकर सोना है? नहीं, यहाँ लड़ाई करना है, लड़ाई दुश्मनों से जंग लेना है। अगर हिम्मत नहीं है तो काम करिए, चले जाइए घर, जाकर के खेती बाड़ी करिए। ए बाबू ये बतिये तो साले लगल कहा जरा हिंदुस्तान का जवान अगर पानीदार मरद रही तो मर्दे के पनिए बा अपने औकात पे उतर जाई तो करी का मास्टर? ए क्या तनन के मरलन कैलन क्या तनन के घोयल आये का गोली पीछे में से बिरवा के लागे। साहब छूटी गई वहां से आतंकी आपन शुकार लगावत हुआ, जैसे ही हिंदुस्तान का जवान ये तनी पास सुलन की हनुमान ए हिंदुस्तान है, ए बॉर्डर है, यहाँ लड़ाई करना है, उठा लिया हाथ।
हाथ में हथियार बाबू, हनुमान जब कदम आगे बढ़ौलन चलल हुवन कुछ आतंकिन के मारत हुवन, तब तक बाबू एक सनसनाती हुई गोली आई और हनुमान को लग गई। जब हनुमान के गोली लगल, हनुमान जमीन पर गिर के झपटा रहल बलन, कहलन साहब आप कातरला नौकरी छोड़ दा। अरे साहब परिवार से ज्यादा प्यार ए देश से रहल, आज बड़ा कष्ट होत बा कि आज अपन पूरा देश छूट जाई, अब हम नहीं बच पाई साहब। लेकिन पांव पड़त बनी एक बात सुन ले लिया, मेजर साहब पूछत हो हनुमान से, तो हनुमान रोई के बाबू बतौलन का मास्टर सिनवा में ममता होला हर एक फौजियन के, हर एक फौजियन के उनकर भी होला परिवार जी। कल हे साहब हर एक फौजी जवान के सीना में दर्द होला, ऐसा ही नहीं बा कि जे अपन परिवार छोड़ के देश का रक्षा कर चली आई तो के परिवार का मोहब्बत ना बा। हमार कदम काहे रुकल लाल साहब, हम बड़ा मजबूर रली। क्या मजबूरी साहब, घरे बहिन के बियाह ना भइल बा, अब तो हम शहीद हो जाई, बहिन कुंवार रह जाई, घरे बुढ़िया माई बीमार बा, माई के दवाई के कराई, इतने ना ये साहब सबसे बड़ा कष्ट का बा जे हमार दुलहिन बा, जैसे हमार बियाह भइल, अब ना बता जा तो लगत कि अब प्राण निकल जाई। अरे हनुमान क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ। कहले साहब जैसे हमार बियाह भयल वो विधवा रहली। अवाक हो गए मेजर साहब, अरे क्या कह रहे हो, क्या कुंवार लड़की नहीं मिली, एक विधवा औरत से शादी कर लिया। अरे साहब कैसन बात कर थी, लड़की तो लड़की है साहब, हमरे आँख के सामने एक विधवा का जिंदगी व्यर्थ होत रहा। विराह के सुनने वाले बाबू कोनो काल्पनिक कहानी ना बा, आप लोग नेट पर भी सर्च करी है तो एक कहानी के जरूर देखी है, जो महादेवी बेचारी दूसरी बार विधवा हो गई। कलन साहब कष्ट यह होत बा कि एक बार विधवा हो चुको लली, उनके मांग में सिंदूर डाल के हम फिर सुहागन बनौली, लेकिन आधे उम्र में उनकर साथ छोड़ के हम जात बनी। इहे बतिया कह के बाबू, हर एक रिश्ता तो खून का होला, लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पर चलेगा। इतने कहत देरी ना भइले भैया, हनुमान के बेहोशी हो खोल लगल, अब बेहोश हो गइलन। आ जब बेहोश हो गइलन लोग फौजी हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती करत हो भैया हो तबले भयल का मास्टर। अरे वो परवाला जब साथ में रही, मांगी तू आप फौज के उठी करोड़ों हाथ। ऊपर वाला जब साथ में रही, फौजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन जारी बा, तब कुछ देरी के बाद जैसे आप लोग बैठे रही ऐसे फौजी जवान बैठल हुन, डॉक्टर साहब अइलन, करण जय हिंद सर। हाँ जय हिंद डॉक्टर साहब, बताइए क्या हालात है हनुमान की। काले की साहब आप लोग चिंता मत करिए, बहुत खुशी की बात है। अरे खुशी की बात, क्या खुशी की बात। काले की खुशी की बात यह है कि ऑपरेशन सफल है, हनुमान को गोली सीने में ना लग करके ओ कंधे से क्रॉस कर गई। लोग बड़ा खुश भले ये बाबू, अब देखल जा आराम भयल, अब हरे ये खबर फौजी जवान नहीं दलन कि हमके गोली लगल बा, हम कौने कष्ट में बनी। छुट्टी मिलल जब हनुमान घरे गईलन, एक दिन स्नान करे बैठल हूँ, माई कोनो काम बस बहरे जात है, देखली बेटवा के चोर लवट इली करे। हनुमान कभी बचपना में तो के एक धूप के सिटकन सुनाई छोली, एक कैसन चोट लगल बरे बेटा। कला ना ही माई कुछ ना, माई अनशन पर बैठ गई, कली ना बेटा पहले तू कारण बता, तो देखा बतावत हुआ हनुमान का बतलो मास्टर। और
अच्छा तो ये बतावा कि शेर का बेटा का होई जब होई तो उस शेरे होई शेर का बेटा कबो की डरना होई तार बेटा कैलाश का मचे उठा के और बाघा खातिर कौआ और बाघा खातिर कौआ का और चोची का करी और चोची का करी हो ये को शेरानी के शेर के घर जजा दाना दाना गोली बाई सीमा पर चलावली दस जने के एक संग है मार के गिरावली और बोला हाथी क्यों पऊआ ने और बोला हाथी क्यों पऊआ ने और मौजी का करी और मौजी का करी हो ये गोशेरानी के शेर माई पुता में बात है होत बतावले फिर से आपको बुलावा गल अब हनुमान के बुलावा आई हनुमान आपकी छुट्टी निरस्त की जा रही है एक काम करिए कि लड़ाई के मैदान में आ जाइए अब हनुमान पहुंचलन कहां बाबू देखा ये है फौजी जवान का जिंदगी है सियाचिन पहाड़ी जो लद्दाख बॉर्डर से पहाड़ी सटी हुई है जहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा ठंडी पड़े कि अगर फौजी जवान सिर्फ 10 से 15 मिनट अपन उंगली ओ अपने हथियार के गन के टाइगर पर रख ले बाबू तो वो हथियार के चलावे के काबिल नहीं रह जी हम लेकिन बाहर फौजी जवान जहां बाबू सियाचिन पहाड़ी जो 20,000 फीट ऊपर पहाड़ी है ना खेले के व्यवस्था ना पानी के व्यवस्था बिरहा के सुने वाले बाबू फौजी जवान हर फौजी के पीठ पर 20 से 25-30 किलो का ओझर रहेला अगर भूख लगल तो टैबलेट होला एक दवाई ऐसा होला जौन खा ली है एनर्जी पूरा मिल जाई अगर प्यास लगल तो पानी ना मिली एक ऐसा दवाई होला टैबलेट होला बाबू जौन बर्फ में डाल दिहन पिघल के पानी हो जाला तो ही के पीएलन कितना मुश्किल से हमारे हिंदुस्तान का बाबू फौजी जवान अपने जान पे खेल करके देश की रक्षा कर रहे है लेकिन हमार और आपका भी फर्ज बनेला बिरा के सुने वाले भाई आप लोगों से यह हाजिर के कहबे कि आप लोग जरूर गौर करी हैं अपने हिंदुस्तान पर ध्यान दी है कि फौजी जवान अगर जागलन तो हम और आप चैन के नींद लेला एलिए अब उस सियाचिन पहाड़ी तब तक जवान पहरा देत हुन और मालिक के मंजूर ना रहल अररा के बाबू एक बर्फ का प्लेट फिसल गई और 200 फौजी जवान नीचे आ गईलन आ जब 200 फौजी जवान नीचे आ गईलन 9 फौजी जवान तुरंत मर गए ललन लेकिन 6 दिन के बाद हनुमान के बर्फ से निकालल गल तो जीवित मिलल लोग दुआ करते हो लेकिन 11 फरवरी का बेला ऐसा नहीं ले बाबू जो ने दुनिया के छोड़ के हनुमान चल गई वो विधवा बेचारी रोवत है कैसे मास्टर रोवत है लाश के लेके कि फिर हम दोबारा विधवा बन गई ली लेकिन हमारा आखिरी कहना बा मास्टर साहब का गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी स्वर्ग गए चंद्रिका कभी बच्चा नहीं बने पुजारी अरे वो परवाला जब साथ में रही उजाला प्यारे लाल ना झुकी वतन के क्या बात है क्या बात है उजाला की इस परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां भैया प्रोग्राम आगे बढ़ो एक बात कहल चाहता नहीं बड़ा अच्छा प्रसंग छेड़लिन हिंदुस्तान के एगो फौजी के बारे में कुछ बतौलिन दू शब्द हम कहल चाहब
3 फरवरी 2016 के घटना हुई। बड़ी तेजी से तूफान आयल और 25 फीट अंदर 5 दिन तक रहलन हनुमान थप्पा और 5 दिन के बाद वो फौजी निकाल गए तब भी जिंदा रहे। सलाम हो फौजी के। हिंदुस्तान का सिपाही जब सीमा पर जागता है तो हम लोग सोते हैं, और किस सिचुएशन में वो जिंदा रहता है इसका दर्द वही समझ सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। एक बार हम सब लोग खड़े होकर उस वीर सिपाही को शहादत के लिए हम लोग बिरहा के सुल्तान हमार विजयलाल यादव भैया और बिरहा के बादशाह हमार ओम प्रकाश भैया। उजाला के दहाड़ कैसन लागल हो, लेकिन सबसे पहले ओम प्रकाश भैया का कहीं कुछ कहलो ना जाता, काला बिना कुछ रहलो ना जाता। इनकर नाव हो उजाला, गांव गांव में बा इनका नाव के हाला। हाय हाय हाय, हमार इनकर साथे बहुत बहुत शुभकामना। विजयलाल यादव भैया, रउआ मुझसे भी कुछ सुनल चाहता नहीं उजाला जी? अरे गोलिया सन के चाहे गोलावा, गोलिया सन के चाहे गोलावा, पनिया पर से या पथरवा, पहरू पहरा पर खड़ा, वाह, रस के करत प्रसार जगत में जब आवे सावनवा, तब न गर्दन फेर के ताके अरे घर के और जवनवा, माटी भैली हो मेहदिया अब बही बही जाला कुल कजरवा, पहरू पहरा पे खड़ा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, रोंगटा खड़ा हो गए एकदम। बहुत सुंदर गोली है, आई मंच ऐसा हो, अच्छा अच्छा सुरमा लोगन का पसीना छूटे लगेला। तू बहुत अच्छा से गोलू है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जाके चुनौती गृह में बैठ जाइए। रुआ सेमीफिनाले में जगह बनाने के लिए उतरी उजाला ने अपने आप को झोंक कर रख दिया। आज उजाला की झोंका से बुल्लू मस्ताना उड़ गई है, या बुल्लू मस्ताना उजाला के बाहर का रास्ता दिखाई है, या सब शेर पर सवा शेर बड़ो। तो फिर ब्रेक के बाद देखेंगे बुल्लू का मस्ताना अंदाज। तो देखत रही भोजपुरिया खाड़े की संगीत के सबसे बड़का संग्राम बिरहा मुकाबला। रही 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 तजे कर आवाज और अंदाज होई खाटी। क्या बात है, अभिराम ओकरे भैया बाजी लाटी। और आप देख रहे हैं खाटी भोजपुरी गीत संगीत का सबसे बड़ा महासंग्राम बिरहा मुकाबला। बिरहा के दंगल में उजाला यादव अपन दम खम दिखा चुकल बानी, और अब अपन दम के बम गिरावे के बारी बा बुल्लू मस्ताना के। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कैमूर बिहार के बुल्लू मस्ताना का। हमके लगे था ज्यादा टाइम ना पास करे के चाहिए, कहो भैया एकदम एकदम सीधे परफॉर्मेंस एकदम। तो दिखा बा अपन जोर, तनी हम तब तक संभावना जी से कुछ बात कर जाता जाए बात हा? जी हर हर महादेव, महादेव। Ah!
संबलगढ़ के यदीश्वर उदय भान सिंह पर्व होली का प्रतियोगिता है रचाए जो पछाड़े गन्ना गरीब पहलवान को तोला पद्मावती का वही लेके जाए। गंगा के चैनल की ओर से एक चीज बतावे चाहते आप लोगों के, पहले के जमाना से आज का जमाना हमन का ठीक है जा, ऐसे कि हमन के आज के कलयुग के दौर में भले फैशन ज्यादा बा लेकिन अदब बा लाज बा लिहाज बा माई बाबू। आ पहले जौन राजा महाराजा रहलन जब उनकर बिटिया जवान हो तो कोनो भैंसा लेके चल दे कि जे भैंसा के नाती तो हमसे ब्याह करी, चाहे ऐलान करवा लें कि हमारे भाई का गर्दन काटी ओसे हम ब्याह करब। उदय भान सिंह का बिटिया जवान हो गई आ कलश की जे भी हमारे नागर पहलवान के पटकी वह हमारे बेटी से ब्याह करी। एगो चिट्ठी लिखौलस गजल बड़ा बिजोर लगल है उजाला जी कोनो लड़का तोहरा जैसे लड़की के समझावत रहे। अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा। लेकिन उदय भान सिंह चिट्ठिया में लिखौलस का लिखौलस, अरे चंक में जो हारेगा अरे चंग में जो हारेगा चांद नहीं पाएगा, चंग में जो हारेगा चांद नहीं पाएगा, जंग में जो हारेगा चांद नहीं जो बघारेगा सेखी जो बघारेगा करी तनुरा होऊंगा, सेखी जो बघारेगा। चिट्ठी लिखवा के भेजवा देलस बिरहा में जौहरी छंद से भाव लगल मास्टर साहब। पद्मा की दाख जवानी उदभान का सोच समाया एलान चंद की करी के पति चावर पठाया सुन के एलान कुश्ती की चिट्ठी पूरे भूमंडल पर घुमावे लगलन। चिट्ठी लेके नाऊबारी पहुंचलन कहाँ की गौरा में लोरी का अखाड़ा पर से लड़के आवत रहलन। कलश की पूछलन कि का भैया का देत वालो, कहलन कि अगर हिम्मत हो गए तो खोल के पढ़ ला। अच्छा तो खोल के पढ़त हो कहलन कि सरवा उदय भान के बिटिया कोनो बा। अच्छा तो गैलन सौरू दादा की सौरू दादा मन उदास देखलन कहलन कि का हो लोरी कहे मुँह लड़का के बैठल हुआ। कहलन कि दादा उदय भान चैलेंज कर दिले हो। कैसन चैलेंज हो? ओकर बिटिया जवान हो गेले उ कहले कि नागर पहलवान के जे पटकी उहे हमरे बेटी से ब्याह करी। कहलन कि चल मर्दे तब ऐसन मौका फिर आई वही नाही। दोनों वीर माई दुर्गा के मंदिर में पहुंचल तब एक लाइन बिरहा में तरज लगल। कोनो तोरे जैसन दुलही के दर्द हो अरे गवन कराए पिया घर बैठ बोलू अरे अपन कोई लुरी मिलू गुलरी निर्मोही दगा दे के अरे भागल रे
चोरिक और सौरू माई दुर्गा के मंदिर में पहुंच लो पूजा कर तुम कैसे मास्टर। अरे जाकर के मंदिर में मन मनौती चढ़िया का खुनवा चढ़ावा श्री बीरा माटी में भाला। अरे बीरा माटी में भाला। अरे गरवा लसी रे बीरा माटी में भाला। माई दुर्गा का पूजा करके लोरी कौरी सौरू चलल हुन कहाँ संबलगढ़ जाके गांव के बहरे पोखरा पर गाड़ देना दोनों भाई भाला। आ जब गले तो बिरहा में दू लाइन लोरकी लगल मास्टर साहब। तब भालावा गाड़ दिहला सिलूरी के संबलगढ़ में तब बिरहा तोरे लाया मुरिया का पनिया रखा दुर्गा माई राना में सनवा गौरा करे जाई ना मंगिया लोहू से सजाई पदमा के तलोरिक गुरजुलपुर हुई होसी। जब चर्चा पोलन उदय भान सिंह की गौरा कर रहे वाला लोरिक आके चैलेंज कर दिले पूरा सेना के साथ और नागर पहलवान के साथ वही अखाड़ा पर पहुंचल हूं। सौरू दादा कहलन कि देख लोरी के दोनों भाई मर जाल जी ये बड़ी ढेर हुआ सन चला चले के कहलन कि तू दादा बैठा हमके देखे दा मिला के हाथ नागर पहलवान के लखत लगत बाकुड़ी दाप उठा के फेंक आ छाती पर चढ़ के दाप देलस। बिरहा में टेरी लगी मास्टर साहब। कसौटी पर कसाई बिरता बाबू कसौटी पर कसाई बिरता शेर पर सवा शेर जब चढ़ के जोर माई यत माई यत। जब पटक के नागर पहलवान के आहू मचले लोरी जान आगल सौरू दादा के खड़ा होके कहन की बारे शेर बा। उतने में उदय भान सिंह धोखा कर देलस बाबू अपने पूरे सिपाहियों को अलर्ट कर दिया काट डालो साले को। लेके तेगा तलवार पूरा भाजे लगलन सौरू दादा बिजुलिया खान तेगा देलन बिरलोरी के मार के पैतरा लगल भाजे खचखच खचखच काटा था आल्हा में भाव लगल। खचखच खचखच गर्दन उड़त है खून का फबारा चला था तब तक लोरी के कतरी हरासमेंट भल तब कहला का अरे लोरी का पुकार को हर गई लू भगवती अरे मरी गई लू बचावा से पूजा के खा बलिहार।
बाबूजी लोरिक भाजत हुन, गर्दन उड़ावत हुन, पद्मावती शोर गुल सुन के खिड़की खोल के देखत है कि एक जवान मार जवान का लाश गिरावत हो। कलश की है तो हमारे मन का राजा हुन, कलश की आज तो मार जी हन, मार जी हमारा सपना अधूरा हो जी। पद्मावती ले करके तीगा बाबूजी कूद गई, आप कूद गई तब वही में लगा मास्टर। अरे काटी 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 उदाई का से नमा की रावाली, अरे काटी काटी उदाई का से नमा की रावाली, अरे अंगूठा का खून लोरिक मांगे में सजाया। रण में कूदल कलश की अपने बाबू को पलटन काटे लगल, काटत काटत लोरी के सामने गई, लोरी की ताकत हुन कलन तू के हो, कलश की तू के हो नहीं, जल्दी मंगिया सजावन तो तुमके काट दी हंस। चट्टे से उठा छिल मांग सजोलन, उदय भान सिंह देखलस करे ये हमरे साथे धोखा, मांग सजगिल तब बिरहा में खड़ी लिखे के पर अरे खून कलाली सदल पदमुख मुंगियो बाबूजी। उदय भान सिंह लाचार हो गए, आ जब लाचार हो गए लन ओ समय उनके गांव पर गौरा में चिट्ठी भेजावल गई, गौरा से खूब अहिरानी जुटल, शौक से बियाह भल, आ जब बियाह भल मांग सजा के आलोरी के पद्मावती के लेके चल देलन। ई हमें से बिरहा का कहानी समाप्त हुई, ले जाके अपन मौज मस्ती के जिंदगी कर गला बिरहा में आखिर लाइन। गुरु बिहारी पतु छबर सुखनंदन पपिया, काशी बुल्लू कहे कि गीता प्रेम करा सवा पिया, अरे कसौटी पर कसाई बिरता, ए बाबू कसौटी पर कसाई बिरता, तमस्ताना धर्म चन के सदगुरु राखा जाई बीर का कसाई बीर। क्या बात है गजब। तो बुल्लू मसाना के इस मस्त परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव भैया और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश भैया, रउआ लोगों ने कैसे लागल इनका परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगल, थोड़ा सा हड़बड़ाहट बा, लेकिन कसौटी बिरहा का होले ये देखे के मिलल। गाना में एक लाइन रहे उठा के छोड़ा जी, आपन वाला भाव कैसे कहला लास्ट वाला कैसे उठोला, यही जरा बनूंगा यही महल में नचाऊंगा, अरे सेखी जो बघारेगा तो जान नहीं पाएगा। बहुत अच्छा रहा और मेहनत कैला का काम ओम प्रकाश भैया, अच्छा लड़का गौला, जितना चढ़े के बाद ओकरा तनी हाफ नोट कमे रह कि खूबसूरती तारा गायकी के बना रहो, ठीक बा, बहुत सुंदर तैयारी रखा जा, मार शुभकामना बता। वाह बुल्लू जी, आज उजाला की रोशनी की जीत होगी या बुल्लू का मस्त अंदाज बाजी मार ले जाएगा ये बताएंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन देखत रही भजबुरिया खाटी की संगीत का सबसे बड़का महासंग्राम बिरहा मुकाबला। आई भाई हो जकरा सर सजीताज वह होई बिरहा मुकाबला के सरताज। और आप देख रहे हैं खाटी भोजपुरी गीत संगीत का सबसे बड़ा दंगल बिरहा मुकाबला। बिरहा मुकाबला में चौथा दौर के दूसरा मुकाबला के आज पहला दिन हो, जहाँ चुनौती गृह में आज बारन उजाला यादव और बुल्लू मस्ताना। आज के मुकाबले की शुरुआत उजाला के हुंकार से हुई जिसे बुल्लू मस्ताना ने चैलेंज दिया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ने पूरी ताकत लगा दी।
लेकिन आज केकर ताकत जीत के चाहत पूरा करी और केकर सपना अधूरा रह जाई। ई जाने के वक्त आ गए बा। बिरहा के महान आए सुल्तान विजयलाल यादव भैया और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश भैया के फैसला हमने के हाथ में आ चुकल बा। तो संभावना जी जी का करल जाओ, दोनों को मंच पे बुला लिया जाए। आजा भैया। फैसले की घड़ी आ चुकी है और फैसला मेरे हाथ में है। उजाला, क्या विचार आ रहे हैं मन में? अभी कुछ विचार नहीं आ रहा है, जो भी कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। अगर यहाँ से आज तुम्हारा सफर खत्म होता जी तो सच्चाई बताइया कि तुमके लागत था कि तू इस मंच से आके कुछ प्राप्त करके जाता रू? ये तो पूर्ण विश्वास हो और अंदर अंदर बड़ा खुशी होता कि मतलब उनके सोच ना रहा कि हम यहाँ तक पहुँच जाई, लेकिन आप लोगों का प्यार दुलार सम्मान मिलल और हमके यहाँ सीख मिलत हो। जैसे हम कैमरा के सामने खड़ा होती, पहली बार तो हम बिरहा मुकाबला मंच से कैले बनी, लेकिन वहीं तक अपन बिरहा स्वयं नहीं सुन पौले ही कि हमारा में कितना कमी है या कितना सही है। अब ये चैनल से यहाँ से जाइले के बाद हमके मालूम पड़ी कि हम कैसे बोलत रही, कैसे बात करता ली, कहाँ बैठत रही, कैसे देखत रही, मतलब यही से सीख शुरू होता। बहुत अच्छा। ये वही हमारी शुरुआत है। बोलो मस्ताना जी। जी चाचा, यह सवाल हम तहरा से भी करल चाहब। एक चीज चाचा हम बताई, हमके सिखावे पढ़ावे का काम तो जरूर हमारे गुरु जी श्रीमती गीता त्यागी कैलिन। चाचा ना खाली चाचा कर दूसर जाई, बतासा चाचा, बतासा चाचा। लेकिन हमार भैया बड़ा अगर हम जाई तो हमार भैया रही हैं अब भाभी के लेके। अरे कर दे भाभी, मेरे को तो नहीं मना दिया। हाँ भाभी के लेके आई हैं, मेरी किस्मत ही फूट गई। जब इनके यूपी लेके आई हैं तो वहाँ हम दुआर छेकब तो हम नेग मांगब तो भैया कुछ ना कुछ नेक चाहिए। अरे बाबू एकदम। हाँ तो बोलू भैया तोहार। जी तो वही हमारे गुरुजी हमके श्रीमती गीता त्यागी और हमारे बाबूजी धर्मचंद्र भी जरूर सिखौलन यहाँ तो पहुँचल, लेकिन बिरहा क्षेत्र में सबसे अधिक अगर केहू का हम कैसेट सुनीला कैसेट से सीख पाईला गावे का लय दारी सुर और ताल तो हमारे गुरु जी श्री विजय लाल यादव जी सुनते। तो चलिए देखते हैं आज बुल्लू को उनके गुरु जी का आशीर्वाद मिला है या आज बुल्लू को इस मंच से जाना पड़ेगा। फैसले की घड़ी आ चुकी है और फैसला मेरे हाथों में है। आप दोनों ने ही कमाल की परफॉर्मेंसेस की, लेकिन कोई एक है जो आज इस मंच से चला जाएगा। तो आज जो इस मंच पर बने रहेंगे या रहेंगी वो हैं बुल्लू मस्ताना जी। आप इस मंच पर बने रहेंगे। उजाला, आपका सफर आज यहीं खत्म होता है। आज केकरा कितना नंबर मिलल बा इहो बता दी। बुल्लू मस्ताना जी के मिलल बा टोटल अंक 17। 9 नंबर देले बाने विजयलाल यादव जी और 8 नंबर देले बाने ओम प्रकाश जी। और उजाला यादव के मिलल बा टोटल अंक 15। विजयलाल यादव जी देले बाने 8 नंबर और ओम प्रकाश जी देले बाने 7 नंबर। बुल्लू मस्ताना को जीत की बहुत बहुत बधाई, लेकिन इनकी जीत अभी भी बाकी है और वो जीत तब पूरा होगी जब प्रतीक्षा गृह में बैठल आखिरी और इकलौता महारथी ज्ञानी यादव की हरा दी हैं। ये दो लोग में कल जो जीती वो की हमारा दूसरा सेमी फाइनलिस्ट। ज्ञानी यादव और बुल्लू मस्ताना के बीच में जोरदार मुकाबले के साथ कल फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और भैया एक बात और याद रखिया, कल रात 8 बजे ज्ञानी यादव का परफॉर्मेंस देखा भूलैया मत लोगो, पहले ही आके टीवी ऑन कर दिया काहे से कि कल ही बड़ा जोरदार टक्कर होखे वाला बा। तो भैया लोग देखत रही भजबुरिया खाड़ी की संगीत का सबसे बड़का महासंग्राम।